कि कातिल का तो हमें हमेशा से पता है। अब मैं एक ऐसी बात करने लगा हूं कि शायद आप वो अच्छी ना लगे। आप मतीउल्लाह जान वाली रिपोर्ट जो है वो जारी कर दें, उसके बाद आप एक नई कमेटी बनाएं, उसमें आप मतीउल्लाह जान को भी डाल दें और मुझे भी डाल दें। हम आपको बताएंगे कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल करवाया। पिछली जो तीन हुकूमतें हैं, ये एक ही काम है इनका कि मीडिया की आवाज कैसे दबाई जाए और शाहिद असलम को कैसे उठाया जाए, अरशद शरीफ को कैसे शहीद किया जाए, यही है इनका काम। दोबारा उन्होंने ना फोन पे जो लबो लहजा था वो कुछ और था, फोन पे कुछ और समझा रहे थे, और जब प्राइवेटली मिले तो कहते हैं हाँ मुंडे ने काम तो चंगा दिता। मैं शाहिद असलम साहब को ज्यादा नहीं जानता था, तो जब पता चला कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो मैंने एक दो साथियों से पूछा, तो उन्होंने बताया जी ये वही हैं जो पहले द न्यूज में काम करते थे। फिर मैंने इनका फहद शहबाज साहब का एक क्लिप देखा और इब्तदाई तौर पे मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया इनके सपोर्ट में। जैसे ही वो ट्वीट हुआ तो कुछ ही देर में मुझे इतनी कॉलें आनी शुरू हुई कि मैंने कहा इतनी कॉलें तो बहुत लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो सबके लिए आवाज उठाई है, तो इतनी आवाज इतना फीडबैक तो किसी की वजह से नहीं आया, तो इस बंदे में ऐसी क्या खासियत है। तो पता चला कि इन पर यह इल्जाम है कि इन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा के जो एसेट्स हैं उसके बारे में कोई खबर दी है, तो मैं तो फौरन ही इनका मुद्दा बन गया। तो मैं इनसे उस वक्त तक मिला नहीं था, लेकिन फिर जब मैंने अपने तौर पे पता किया, इधर से पूछा उधर से पूछा, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, कंफर्म नहीं हो रहा था कि खबर इन्होंने दी है या नहीं दी। और मैंने सोचा यार खबर दी है या नहीं दी, लेकिन नाम तो आ रहा है ना इसका कि इसने बाजवे के एसेट्स को तश तश बांध किया है, वो बंदा ठीक ही होएगा। उसके बाद फिर एक जगह पे मैंने जिक्र कर दिया, कहीं पे कोई फंक्शन था तो मुझे एक मिनिस्टर साहब ने कॉल की और वो बड़े जनाब मेरे साथ मेरी इनसे बड़ी पुरानी शनासाई है, तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की और बता रहे हैं कि जनाब ये उस चैनल से इसका ताल्लुक है जिस चैनल ने आप पे ये इल्जाम लगाया और आप पे तौहीन रिसालत का इल्जाम भी लगाया। मैंने कहा हाँ ये मुझे पता है, तो उन्होंने कहा जी ये बंदा ठीक नहीं है। मैंने कहा यार चले आपको चैनल की पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन बंदा जो है आप ये देखें उस पे इल्जाम कितना जबरदस्त और खूबसूरत इल्जाम है। तो वो मिनिस्टर साहब ने कहा अच्छा मैं थोड़ी देर बाद फोन करूंगा, फोन बंद कर दिया उन्होंने। तो फिर वो रात को मुझे मिलने आए और दोबारा उन्होंने ना फोन पे जो लबो लहजा था वो कुछ और था, फोन पे कुछ और समझा रहे थे, और जब प्राइवेटली मिले तो कहते हैं हाँ मुंडे ने काम तो चंगा दिता। तो मैंने कहा यार आपसे बड़ी मेहरबानी, आपसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि अपनी ये मुनाफ़िकत खत्म कर दे। मैं कहा मैं तो उसको जानता ही नहीं और मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि खबर उसने दी है या नहीं दी, क्योंकि वो अहमद नूरानी जो है वो भी बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इसने मुझे कोई डिटेल नहीं दी। तो लेकिन ये है कि मैंने अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका जो फीडबैक है उसको सामने रख के अंदाजा लगाया कि ये अच्छा आदमी है, सही है। फिर मैंने कॉलम लिख दिया तो फिर असल फोन आने शुरू हुए, असल वाले आप समझते हैं ना। तो वो फिर एक लड़ाई शुरू हो गई जिसका मैंने इनको नहीं बताया किस किस से क्या लड़ाई हुई। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा जनाब आप असद तूर को भी इतना नहीं जानते थे, आपने तकरीर कर दी और बाद में फंस गए थे, इसको तो आप बिल्कुल ही नहीं जानते, तो इसके लिए इतना स्टैंड ले रहे हैं। मैंने कहा यार बात यह है कि मैं शाहिद असलम को नहीं जानता, लेकिन मैं जनरल कमर जवेद बाजवा को तो जानता हूं, तो इसका नाम उसके साथ आ रहा है। तो वो भी बात हुई थी कि बिल्कुल शाहिद असलम जो है वो हमारा मुजाहमत का नया इस्तारा है, तो ये मुजाहमत का नया इस्तारा इसलिए बना है कि इसका नाम
साजिश और कीना परवरी के इश्तियारे जनरल बाजवा के साथ आया और उससे पहले नेशनल असेंबली में एक क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 500 में तरमीम का एक एक्ट अमजद खान न्याजी जो है उसने असेंबली में टेबल किया था एक प्राइवेट मेंबर के तौर पे। उन दोनों को इकट्ठा करके एक बहुत ही खतरनाक किस्म का खूनख्वार किस्म का कानून जो है उसका मुसद्दा इस हुकूमत ने तैयार किया और उस मुसद्दे का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2023। उन्होंने जो है ना पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन 500 है उसमें तरमीम करनी है। तो उसके बाद पता है क्या होगा, उसके बाद वो आपको बगैर वारंट के गिरफ्तार करेंगे। अगर आपने जुडिशरी के बारे में या किसी इदारे के बारे में कोई बात कर दी, बगैर वारंट के आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और जिस तरीके से शाहिद असलम साहब जो है वो अदालत में पेश किया गया और फिर हेयरिंग हुई, पेशियां हुई, कुछ साबित नहीं हुआ, उनको रिलीज कर दिया गया, तो ये ऐसा नहीं होगा बल्कि लंबी कैद होगी। वैसा ही है जैसा कि फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल में जो एक मीडिया कोर्ट्स का जो उनका फार्मूला था, मीडिया की अदालतें कायम करके वो हमें अंदर करना चाहते थे, तो ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की ये भी एक वैसा ही सिस्टम लाना चाहती है। तो हो सकता है कि अगर ये कामयाब हो जाए उसमें तो उसके बाद जब शाहिद असलम साहब आप या मैं या कोई भी हमें से गिरफ्तार होगा तो इतनी जल्दी हम रहा नहीं होंगे जितनी जल्दी आप रहा होंगे। लेकिन उसके लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहने की जरूरत है और उसके लिए आपको सवाल उठाते रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा प्रॉब्लम है, पता नहीं आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। मुझे ना ये जो इस वक्त सियासी मंजर पे जो लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, जो सियासी मुहाजरा ही कर रहे हैं, मुझे ये सारे एक जैसे लगते हैं। अब इसमें देखें मिसाल कि ये जो ब्लैक कानून है, स्याह कानून है, पीका, ये 2016 में मुस्लिम लीग नून लेके आई। उसके बाद इसका जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है पीका अमेंडमेंट एक्ट 2022 वो तरीके इंसाफ लेके आई और अब इससे जो इसकी एक अगली नस्ल है, मजीद खूनख्वार नस्ल जो है वो दोबारा ये पीडीएम की हुकूमत लेके आ रही है। तो आप ये देखेंगे ये पिछली जो तीन हुकूमतें हैं ये एक ही काम है इनका कि मीडिया की आवाज कैसे दबाई जाए और शाहिद असलम को कैसे उठाया जाए, अरशद शरीफ को कैसे शहीद किया जाए, यही है इनका काम। तो हमें अपनी आवाज इस तरीके से उठानी है और अपनी जद्दोजहद इस तरीके से करनी है कि हमारी जद्दोजहद का फायदा कोई सियासी जमात ना उठाए। क्योंकि पिछले दौर में अगर मुस्लिम लीग नून आपके साथ खड़ी थी, जो कि वह हमारे साथ खड़ी होती थी, तो इस दौर में अब वही लोग जो पहले हमारे साथ खड़े होके आजादी सहावत के लंबरदार थे वो इस दौर में आजादी सहावत के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। और पिछले दौर में दुश्मन पीटीआई थी, आज वो कहते हैं जी कि हम आजादी सहावत के सबसे बड़े लंबरदार हैं। तो इनके जो चेहरे हैं ना वो एक ही जैसे हैं। तो इसलिए हमें किसी सियासी जमात का अलगकार बने बगैर जो आजादी सहावत की जद्दोजहद है उसको आगे बढ़ाना है। और इस चीज को याद रखें कि बातें करनी बड़ी आसान है, यहां पर भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके तजावीज देके आप चले जाएंगे, लेकिन जो अमल है ना, अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। यहां पे सलीम शहजाद साहब का जिक्र हुआ है, शायद आपको ना पता हो, सलीम शहजाद साहब के केस में इस्लामाबाद पुलिस का एक एएसआई था जिसने इंक्वायरी की थी, जिसने जाके डेड बॉडी को रिकवर किया और उसके बाद वो असल जो कातिल थे जिन्होंने उसको यहां से उठाया, किस गाड़ी में उसको लेके कहां पे गए, वहां पे फिर क्या हुआ, फिर वहां से कौन सी गाड़ी में उसको कहां लेके गए, सारी उस बंदे ने इन्वेस्टिगेशन की। उसको इतना विक्टिमाइज किया गया और वो खामोशी के साथ वो विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त करता रहा। एक दो आपके साथी जो है उनको पता था, हम उस बेचारे की कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जाहिर बात है उस इस्लामाबाद पुलिस उसके साथ खड़ी नहीं होती थी, ना एसएसपी ना आईजी, कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता था। अल्टीमेटली उसको नौकरी से निकाल दिया गया और अब वो बेरोजगार है। तो यहां पे बात करना बड़ा आसान है, हम हक को सदाकत के लंबरदार, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब कोई खड़ा होता है ना
तो शायद असलम साहब आप खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ बहुत से लोग आपके पीछे खड़े हैं। हर किसी के साथ बंदा खड़ा नहीं होता, इसलिए उतनी ही बात करें जितनी आप निभा सकते हैं, और आने वाला वक्त जो है वो बहुत इससे ज्यादा सख्त होगा। मैंने आपको याद करवा रहा हूं, बहुत से लोग जो है यहां मौजूद थे 2018 के इलेक्शन से पहले, इसी हॉल में फजलुर रहमान भी बैठा हुआ था, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बैठे हुए थे, शिबली फराज भी यहां पे बैठे हुए थे, परवेज रशीद साहब भी बैठे हुए, सबके सामने मैंने ये कहा था कि बहुत सख्त वक्त आने वाला है। अब जो इसके बाद वक्त आएगा ये उससे भी ज्यादा सख्त होगा, उससे भी ज्यादा सख्त होगा। और इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बातें करनी बड़ी आसान है लेकिन खड़ा होना जो है वो बड़ा मुश्किल है, इसलिए अपने आप में हौसला पैदा करें। आप जो है ना, ये इस वक्त जिन लोगों से आपका मुकाबला है उनको सिर्फ एक ही बात कहनी है कि ये लोग क्या जनरल जियाउल हक से बड़े बदमाश हैं या ये परवेज मुशर्रफ से बड़े बदमाश हैं? तो सिर्फ आपको शाहिद असलम जैसा हौसला चाहिए, और अगर आपके पास शाहिद असलम जैसा हौसला हो तो आप ये जो बगैर वर्दी के जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ हैं आप इन सब का मुकाबला कर सकते हैं। जो कंसर्न्ड इदारे हैं कि कातिल का तो हमें हमेशा से पता है, कातिल का हमें हमेशा से पता है, हम उसका नाम भी लेते हैं लेकिन उसके पास उसके खिलाफ सबूत नहीं होता। तो अगर मैं समझता हूं कि ये छोटा सा काम है, ये अगर आपने ये छोटा सा काम कर दिया तो उसके बाद आपको चाहिए। अब मैं एक ऐसी बात करने लगा हूं कि शायद आप